डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैपिटल गेन हेड के एग्जेम्पशन को चेक करेंगे। देखिए सेक्शन 54 इसके लिए सबसे पहला सेक्शन है जो कि एग्जेम्पशन इंडिविजुअल और एचएफ के लिए बना हुआ है। अगर कोई भी एसएससी एक रेसिडेंशियल हाउस बेचता है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और वो रेसिडेंशियल हाउस एचपी हेड में चार्जेबल है, तो उस केस में उसकी कैपिटल गेन के अमाउंट को आप नए रेसिडेंशियल हाउस में लगा दीजिए तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब कब तक इन्वेस्ट करना है इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट के एक साल पहले से लेकर उस डेट से 2 साल तक आप परचेस कर सकते हैं और डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल तक आप उस हाउस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो आपके पास टाइम तो ज्यादा है, तो आप उसको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा कर दीजिए और फिर बाद में उसको निकाल निकाल कर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो नई एसेट है इसको 3 साल तक आपको ब्लॉक रखना पड़ेगा, मतलब 3 साल तक इसको खरीदने की डेट से लेकर आप सेल नहीं कर सकते। और अगर आपने 3 साल के अंदर इसको सेल कर दिया तो उस नई एसेट की जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगी उसकी कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय न्यू रेसिडेंशियल हाउस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको जो एग्जेम्पशन की अमाउंट है 54 में आपने ऑलरेडी ले रखी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे ऑटोमेटिकली न्यू रेसिडेंशियल हाउस का कैपिटल गेन बढ़ जाएगा। अब यहां पर एक नया प्रोविजन ऐड हो गया है कि जो नया हाउस आप परचेस कर रहे हैं वो परचेस जो है इंडिया में होना चाहिए वो हाउस, और वो जो हाउस है वो उसमें आप अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप एक की जगह 2 हाउस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और अगर 2 करोड़ से ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया आपका तो आपको एक ही हाउस में इन्वेस्ट करना है, और ये हाउस में जो इन्वेस्टमेंट है इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ रुपए दी गई है। नाउ फ्रेंड्स, एक और खास बात यह है कि अब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपने जो पैसे लगाए हैं उसको इस दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर ये अनयूटिलाइज रह जाता है तो जितनी अमाउंट अनयूटिलाइज रह गई जिसके संबंध में आपने एग्जेम्पशन ले लिया है वो अमाउंट जिस साल 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे उस प्रीवियस ईयर में उस अमाउंट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। और अगर बीच में ही इस कैपिटल गेन अकाउंट से पैसे को निकाल लिया गया है और उसको अदर पर्पज के लिए आपने यूज कर लिया तो जिस ईयर में आपने उसको मिसयूटिलाइज किया है उस ईयर डीम टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54B। ये भी इंडिविजुअल एचएफ के लिए ही एग्जेम्पशन है। इसमें अगर कोई एसएससी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करता है वो चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 2 साल से कम से कम 2 साल से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए एसएससी के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा या उसके एचयूएफ के द्वारा। तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन होगा उसको नए एग्रीकल्चर लैंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए कैपिटल गेन के अमाउंट को अप टू 2 ईयर, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की सेम स्कीम यहां पर भी अवेलेबल है। और जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है इसको भी आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर ट्रांसफर कर दिए तो जो एग्जेम्पशन आपको मिला है उस अमाउंट को न्यू एग्रीकल्चर लैंड के कॉस्ट में से रिड्यूस किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54D। हालांकि इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जो एसेट ट्रांसफर हो रही है अगर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस में कैपिटल गेन ही चार्जेबल नहीं होता, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, इसलिए एग्जेम्पशन के लिए इन्वेस्ट करने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। एक और यहां पर खास बात है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड किया उसके थ्रू अगर एसेट आपके पास से चले गई है तो उस केस में सेक्शन 1037 का एग्जेम्पशन मिलता है, इसलिए वहां पर भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। फ्रेंड्स, फिर सेक्शन 54D की बात करते हैं। ये सभी टाइप के एसएससी के लिए अवेलेबल है, चाहे कंपनी एसएससी हो, फर्म हो, कोई भी हो। अगर कोई भी इस सेक्शन में कोई भी लैंड और बिल्डिंग जो कि किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा था उसको गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर्ड कर लेती है तो उसकी कैपिटल गेन अमाउंट को अगेन किसी लैंड और बिल्डिंग इंडस्ट्री के लैंड और बिल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन वो लैंड और बिल्डिंग कम से कम 2 साल से इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होना चाहिए। देन इसमें टाइम लिमिट है 3 साल। अगेन इसमें कैपिटल गेन में पैसे अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो कैपिटल गेन अकाउंट इसमें डाल दीजिए, सेम है। और यहां पर भी वही सेम प्रोविजन है कि जो न्यू लैंड एसेट परचेस किए हैं उसको 3 साल तक ब्लॉक करना है, और अगर उसके पहले ट्रांसफर कर देंगे तो उसकी कॉस्ट में से अर्लियर एग्जेम्पशन जो है वो माइनस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 54EC, ये भी सभी एसएससी के लिए है। इसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करने से और उसको कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड में
अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए, 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो 85 लाख लिया जाएगा। और ये बॉन्ड है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड, रेलवे के कुछ बॉन्ड हैं। इन बॉन्ड्स में अगर आप पैसे लगा देते हैं 6 महीने के अंदर डेट ऑफ ट्रांसफर से, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यहां पर ये जो बॉन्ड है ये 5 साल तक होल्ड में रहते हैं, 5 साल तक ब्लॉक रहते हैं। अगर उसके पहले आपने इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया है या फिर मनी में कन्वर्ट कर दिया, मनी में कन्वर्ट का मतलब इन बॉन्ड के अगेंस्ट में अगर आपने लोन ले लिया है तो भी मनी में कन्वर्शन मानेंगे, तो उस केस में जो एग्जेम्पशन पहले मिली थी उसको डीम टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया जाएगा। अब यहां पर देखिए ब्लॉक इन पीरियड का वायोलेशन जब होता है तो शुरू के 3 सेक्शन जो है ना 54, 54B और 54D, ये तीनों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस होती है, लेकिन बाकी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन एज्यूम किया जाता है। इसका सीधा लॉजिक आप ऐसा याद रख सकते हैं कि शुरू के तीनों एसेट में जिस वैरायटी के एसेट सेल हो रही उसी वैरायटी के एसेट में, उसी टाइप के एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि बाकी के सेक्शंस में ऐसा नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना कि 54EC में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कोई भी मनी को आप पार्क नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन है 54F, दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर सीएंटर। ये इंडिविजुअल HUF के लिए बना हुआ है। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दीजिए आप, केवल रेसिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और उस पैसे को आप रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना, एक यूनिक पॉइंट ये कि यहां पर आपको जो इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन के अमाउंट नहीं करना, बल्कि नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल गेन के अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। और इन्वेस्टमेंट का टाइम रेसिडेंशियल हाउस का सेम है जैसा 54 में पड़े थे, और न्यू एसेट को भी आपको 3 साल तक ब्लॉक करना है, और अगर उसके पहले ट्रांसफर कर दिए तो अर्लियर एग्जेम्पशन जो आपने ले लिया है वो डीम टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा, और यहां पर भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है 54F में कि मान लो आपका जो है नेट सेल कंसिडरेशन जो है कोई एसेट का, लॉन्ग टर्म एसेट का, मान लो ज्वेलरी बेचा आपने, उसका नेट सेल कंसिडरेशन है 25 लाख, और आपने उसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है मान लो 10 लाख, तो 15 लाख रुपए कैपिटल गेन है। तो 15 लाख रुपए का एग्जेम्पशन अगर आपको चाहिए तो 25 लाख रुपए आपको 54F में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब 15 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 20 लाख रुपए केवल इन्वेस्ट किए तो प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए, 25 लाख इन्वेस्ट करने से 15 लाख की एग्जेम्पशन है, तो 20 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है तो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, 15 लाख डिवाइडेड बाई 25 × 20, लाइक दैट। नाउ सेक्शन 54H कोई एग्जेम्पशन का सेक्शन नहीं है। 54H जो है ये एक्सटेंशन ऑफ टाइम है। अगर कोई भी सेक्शन में गवर्नमेंट ने एसेट को कंपल्सरी एक्विजिशन किया है, तो देखिए नॉर्मली न्यू एसेट, जितनी भी न्यू एसेट है उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो उसका जो भी टाइम लिमिट यहां पर दिया हुआ है, ये जो टाइम लिमिट है ये टाइम लिमिट डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड एसेट से गिना जाता है। लेकिन अगर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है तो उस केस में ये जो टाइम लिमिट है, जिस दिन गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे उस दिन से इसको काउंट किया जाएगा। आई होप फ्रेंड्स दे वीडियो आपके लिए रिकॉल करने के लिए एक अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।